हल्के लेक्चर की समझ आ गई थी, कोई कंफ्यूजन ठीक हो गया। कल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को देखा था कि पैकेज सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सूट किसको कहते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी कि बिजनेस सॉफ्टवेयर की टाइप्स में मोर और लेस हमने काफ़ी हद तक काफ़ी एग्जांपल्स के थ्रू ये समझने की कोशिश की थी कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिजनेस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटरप्राइज है, कोई बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसको कैसे फैसिलिटेट करते हैं उस तरह के यूजर्स। फिर आगे हमारे पास कैटेगरी आती है ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपको आपके मुराद यूज़र है, ठीक है, वो कोई यूज़र इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो यूज़र कोई फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया कोई चैनल हो, ठीक है, आपकी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहती है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी ये जो चैनल्स हैं, ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, फिर आपके पास कार्टून्स की क्रिएशन आ जाती है, एनिमेशन पे जितना काम होता है, CGI पे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे जितना काम होता है, जो मूवीज़ पे अक्सर आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डायनासोर रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स आप कहेंगे नहीं, पर आप मूवीज़ में स्टिल डायनासोर्स को देखते हैं। अगर एलियंस की बात की जाए, अगर स्पेसशिप की बात की जाए, अगर मार्स पे या दूसरे प्लैनेट्स की बात की जाए, तो अभी तक हमारी एग्जिस्टेंस वहाँ तक नहीं पहुँची है, एलियंस को या स्पेसशिप्स को कभी हमने ज़मीन पर उतरते हुए नहीं देखा, पर मूवीज़ में स्टिल आप ये चीज़ देखें। तो इस इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कराना, ये तमाम टेक्निक्स जो ग्राफिक्स से या मल्टीमीडिया से रिलेट करती हैं, उसके प्रोजेक्ट्स पे बेस करती हैं, इसमें हमें कौन से सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जांपल दी गई हैं, ये लिस्ट आपको सामने नज़र आ रही है, ठीक है, कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे गए हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के हैं, ठीक है, फोटो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम और फिर साथ ही मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा गया है कि किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, अडोब का है, कोरल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, या किसी और कंपनी का है। अगर फोटोशॉप की इलस्ट्रेटर की बात करें, जिस पे ग्राफिक्स का काम किया जाता है, आप बैनर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, किसी लोगो डिज़ाइनिंग पे काम कर सकते हैं, पैम्फलेट बना सकते हैं, तो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन दैट बर्थडे या वेडिंग के कार्ड लोग डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है, तो फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, कोरल ड्रॉ पे, ठीक है, करवाए जाते हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, अगर फोटोशॉप की बात की जाए, इलस्ट्रेटर की बात की जाए, तो अडोब है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन डिज़ाइन की बात की जाए या शेयरपॉइंट डिज़ाइन की बात की जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट है उसका डेवलपर या ओनर। जैसे हम विंडोज़ की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट है हमारी विंडोज़, ठीक है, ऑफिस की बात करें तो ऑफिस का ओनर भी या डेवलपर भी है मैन्युफैक्चरर भी माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सी कंपनी किस तरह का सॉफ्टवेयर एज अ एड प्रोवाइड कर रही है ताकि यूज़र मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर सकें, मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर सकें। तो ये देख सकते हैं कि मैं ज़रा चार्जर लगा लूँगी आपका। तो ये वो कुछ लिस्ट दी गई है, सारे सॉफ्टवेयर ना सही, पर आप 3 से 4 सॉफ्टवेयर लाजमी इसमें याद रखिएगा, तो कौन कौन से ऐसे ग्राफिकल या मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया, कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जो वेब पब्लिशिंग में भी हेल्प करते हैं, वेब भी आपके पास जो वेबसाइट्स हैं वो भी मल्टी मीडिया के प्रोजेक्ट की कैटेगरी में ही आती हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, आवाज़ स्लो आ रही है, फिर
वो इशू के थोड़ा सा बियर किया करें, मोर और लेस या तो ठीक हो जाएगी या फिर आपके नेटवर्क का या मेरे नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। ठीक है जी। पेंट के इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, वीडियो ऑडियो एडिटिंग आ जाती है जहाँ पे वीडियो एडिट की जाती हैं। ठीक है, वो एनिमेटेड वीडियोस भी हो सकती हैं, वो रियल टाइम वीडियोस भी हो सकती हैं। रियल टाइम वीडियोस वो होती हैं जो रियल टाइम में कैप्चर की जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे शूटिंग है, जैसे वीडियोग्राफी है, जैसे आप लाइव सेशन वीडियो के तौर पर कैप्चर करते हैं। और अगर एनिमेशन की बात की जाए तो मैंने आपको एनिमेशन लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था कि एनिमेशन होती है नॉन लिविंग थिंग्स की। आपके पास बॉल है, आपके पास कोई कार्टून करेक्टर है, जैसे कोई डॉल है, कोई ऐसी कार है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आप कार्टून में देखते हैं। ठीक है, जैसे आप एनिमेटेड मूवीज के अंदर देखते हैं। एनिमेशन का ताल्लुक नॉन लिविंग थिंग से होता है। वीडियो आपके पास रियल पर्सन की, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, रियल टाइम में कैप्चर की गया जो मोशन है वो वीडियो कहलाता है। तो ऑडियो एडिट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये जो आपके सिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो आपके वोकलिस्ट हैं, ये जो आपको जो आपकी स्पीच से रिलेटेड लोग काम करते हैं, ठीक है, ये ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑडियो को या पीछे को बेहतर से बेहतर बना सकें, पीछे की नॉइज़ को रिमूव कर सकें, कोई और वेरिएशन लेके आनी है, आवाज़ पतली से मोटी करनी है, मोटी से पतली करनी है, ठीक है, किसी तरह का म्यूज़िक इंसर्ट करना है, बैकग्राउंड पर कुछ चलाना है, कोई साउंड पर काम करना है, तो ये सब का सब ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, ऑथरिंग कहते हैं जो चीज़ ओन करता है। ऑथर से क्या मुराद है? जैसे आप कहते हैं ऑथर, तो मल्टीमीडिया को ओन करने वाले, मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को आप मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें आपके पास पावर पॉइंट भी आ जाता है क्योंकि वो भी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है। इसमें आपके पास फोटोशॉप आ जाता है, कोरल ड्रॉ आ जाता है, ठीक है, इलस्ट्रेटर आ जाता है, इन डिज़ाइन आ जाता है, इन पेज आ जाता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल आ जाते हैं। अच्छा जी, वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेजेस क्रिएट करने में हेल्प करें, हेल्प यूजर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स। अब ऑल स्किल लेवल्स का मतलब है मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे भी एक वेब पेज या वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा, और आप एक न्यूबी हैं, न्यूबी का मतलब होता है जो नॉन प्रोफेशनल होता है, जो अभी बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल पे होता है या बहुत अभी न्यू लेवल पे होता है, उसको भी वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो बआसानी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अपनी वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते। दैट इंक्लूड्स मल्टीमीडिया एंड इंटरैक्टिव कंटेंट। दो तरह का कंटेंट आपको वेब पेजेस पे, वेबसाइट्स पे मिलता है, एक मल्टीमीडिया कंटेंट, और हर तरह की वेबसाइट को आप मल्टीमीडिया कंटेंट कहते हो, क्योंकि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिसमें कलर्स का इस्तेमाल ना हो, इमेजेस का इस्तेमाल ना हो, आइकन का, शेप्स का, चार्ट्स का, टेबल का, ठीक है, मल्टीमीडिया के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, साउंड है, इमेज है, वीडियो है, हर तरह का एलिमेंट आपको वेबसाइट पे मिलता है। तो पहली चीज़ तो ये कि वेबसाइट्स मल्टीमीडिया वेबसाइट होती हैं। दूसरा है, दूसरी जो टाइप आ जाती है वो इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव कॉन्टेंट की आ जाती है। इंटरैक्टिव, इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन से वर्ड निकला है इंटरैक्टिव, किसको पता है इंटरेक्शन का क्या मतलब है? हाँ जी, रेज योर हैंड। रिलेट करना। इंटरेक्शन का मतलब रिलेट करना, नुमान मोर और लेस ठीक है, पर कोई एग्जैक्ट बताना जरा, नुमान ने एग्जैक्ट नहीं बताया। रिलेट करना उसके मीनिंग में या उसके कॉन्टेक्स्ट में तो आ सकता है, कॉन्सेप्ट में तो आ सकता है, पर एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंटरेक्ट करना कनेक्टिविटी को कहते हैं, कम्युनिकेशन को। मैं और आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो, आप मुझे कोई इशू बता रहे हो, मैं उसका हल बता रही हूँ, हम बात कर रहे हैं, हम चैट कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है, ठीक है, मेरे एक्शन के अगेंस्ट आपका रिएक्शन आ रहा है, आपके एक्शन के अगेंस्ट मेरा रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन का जो रिलेशनशिप होता है
ठीक है, जैसे इंटरैक्टिव रिलेशनशिप या इंटरैक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, या जैसे रिस्पॉन्स का मैं कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है आपके एक्शन के अगेंस्ट, आपकी किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो हमारा रिलेशनशिप है, ये इंटरेक्टिव है। अगर मैं एक नॉन इंटरेक्टिव की एग्जाम्पल देती हूँ, आप टेलीविजन देखते हैं, ठीक है, आप टेलीविजन देखते हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रिस्पांस जनरेट नहीं कर सकते टेलीविजन पे, टीवी पे, एलईडी पे, ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कंटेंट वहाँ से रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई कंटेंट ऐड भी नहीं कर सकते, इवन दैट टेलीविजन पे भी वन स्ट्रीम डाटा चल रहा है, वो भी आपके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं, उसको कोई ऐसे एक्शन जनरेट नहीं कर रहा जिसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स देते हैं, वो कोई ऐसी भी किसी तरह का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, कि जिसके अगेंस्ट आपका कोई रिएक्शन जनरेट, वन साइडेड, ठीक है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, तो ये नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, सॉरी नॉन, हाँ टीवी में मल्टीमीडिया है, ऐसा नहीं है कि टीवी को मल्टीमीडिया नहीं कहते, नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया भी कहते हैं, नॉन इंटरेक्टिव कॉन्टेंट भी कहते हैं, तो वो कहते हैं वेब पेजेस के अंदर पहली चीज़ इंक्लूड होती है मल्टीमीडिया होना, मल्टीमीडिया तो वो है, दूसरी उसकी इंटरेक्टिविटी, उसका इंटरेक्टिव कंटेंट होना, कंटेंट कहते हैं मटीरियल, उसका जितना मटीरियल है आप अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहें ब्राउज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अल्टर कर सकते हैं, अगर स्टैटिक वेब पेजेस या स्टैटिक वेबसाइट्स की बात की जाए तो वो नॉन इंटरेक्टिव की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, एज इट इज़ जो प्रोवाइड किया गया है उसी से काम चलाना है। जी उस्मान, उस्मान आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है आपने? नो मैम, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं होम, पर्सनल और एजुकेशन यूज के सॉफ्टवेयर्स, पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं इस कैटेगरी में, आपने घर बैठ के बजटिंग करनी है, आपने घर बैठ के कोई घर का फंक्शन है, घर का कोई इवेंट है, उससे रिलेटेड आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। लीगल सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, टैक्स प्रिपरेशन के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ये आपने सुना होगा, ठीक है, टैक्स रिटर्न के बारे में, टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, तो जो सॉफ्टवेयर्स का या वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो फिर आपके पास पर्सनल डीटीपी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, डीटीपी आई थिंक सो ये इसका स्टैंड फॉर आप एक दफ़ा नेट पे देखिएगा, आई थिंक सो ये पर्सनल असिस्टेंस के सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है, ठीक है, पेंट और इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, फोटो एडिटिंग के आ जाते हैं, छोटी छोटी उसने ना ग्राफिकल एग्जांपल्स के साथ आपको इसको इलस्ट्रेट करके बताया, क्लिप आर्ट इमेज गैलरी के सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स भी आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो एडिटिंग की बात आ गई, होम डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग, ठीक है, जिसे ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है वो आ जाते हैं, ट्रैवल और मैपिंग सॉफ्टवेयर GPRS के थ्रू, ठीक है, गूगल मैप्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ट्रैवल और मैपिंग सॉफ्टवेयर की, जो आपके मोबाइल में गूगल मैप की जो ऐप है वो प्रोवाइड की गई है, रेफरेंस सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक जैसे डिक्शनरी को रेफर किया जाता है, जैसे इंसाइक्लोपीडिया को रेफर किया जाता है, जैसे किसी विकीपीडिया को रेफर किया जाता है, तो कोई रेफरेंस सॉफ्टवेयर आ गया, एजुकेशन से रिलेटेड आ गए, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आ गए, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्या हैं, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखे गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं, Britannica.com एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ आप वेब एप्लीकेशन को वेबसाइट भी कहते हैं, वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं, वेब पोर्टल भी कहते हैं, ठीक है, दो तीन नाम हैं जिसके थ्रू वेबसाइट्स हैं वो रेफर की जाती है, वेबसाइट्स के नाम से, वेब एप्लीकेशन के नाम से और वेब पोर्टल के नाम, यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, Britannica.com किस तरह की वेबसाइट है, रेफरेंस टाइप की, Dictionary.com रेफरेंस टाइप, ठीक है, Flickr फोटो एडिटिंग का है, Gmail मेल के लिए, ठीक है, Picnic फोटो एडिटिंग का है, ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर की टाइप्स, किस टाइप के, टाइप ये बताती है कि वो सॉफ्टवेयर क्या करता हो, ठीक है, उस तरह की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करता हो किस तरह, ठीक है, अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ वेबसाइट, जिस तरह की वेबसाइट को कहा जाता है
that allow users to access and interact with the software from any computer or device that is connected to the internet. वेबसाइट एक ऐसी या वेब एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को ये अलाउ करता है कि वो कहीं भी बैठ के जब चाहे जिस जगह चाहे बैठ के उस सॉफ्टवेयर के साथ उस वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है अनलेस एंड अनटिल वो डिवाइस या वो कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि वेब की एक्सेस के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो यही है कि उसका ऑनलाइन रियल टाइम में होना ज़रूरी है, और वो ऑनलाइन रियल टाइम में तब होगा जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। ठीक है, बात समझ आ गई। एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट एक ऐसी प्लेस को एक ऐसे मीडियम को कहते हैं जो आपको अलाउ करता है कि बीइंग अ यूज़र आप जब चाहें, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आप वेबसाइट खोल के किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी वेब के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। आप कराची बैठे हैं, आप लाहौर बैठे हैं, आप इंग्लैंड बैठे हैं या पाकिस्तान बैठे हैं, ठीक है, तो जब चाहे और जिस मर्जी टाइम, सुबह चाहें, शाम चाहें, दोपहर चाहें, जिस मर्जी का, ठीक है, ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे फ्रॉम एनी कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से अनलेस एंड अनटिल वो डिवाइस नेट से कनेक्टेड हो। बात क्लियर हो गई? यस मैम। जी मैम। अब वेब एप्लीकेशन की उसने टाइप में ये गूगल डॉक्स आपको खोल के दिखा दिया है, ठीक है। गूगल डॉक्स गूगल की ही एक फैसिलिटी है जो आपको अलाउ करती है कि आप गूगल पे ही एक्सेल की, वर्ड की, पावर पॉइंट की फाइल्स को ओपन भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो गूगल डॉक्स DOCS, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो डॉक्यूमेंट चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट चाहे एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट हो, या वो डॉक्यूमेंट कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो, आप उसे ओपन भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और अगेन आगे शेयर या फॉरवर्ड भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या किस टाइप के, यहाँ टाइप्स बेसिकली लिखी गई हैं, यहाँ सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखा गया, किस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। कोई कम्युनिकेशन ईमेल के लिए यूज होती है, कोई वेब ब्राउजिंग के लिए, कोई VoIP के लिए यानी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, कोई चैट रूम के तौर पे, कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, कोई आपका ब्लॉगिंग, कहीं कोई ग्रुप बना हुआ है, कहीं IM इंस्टेंट मैसेज हो रहे हैं जहाँ आप टाइप करके चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कहीं आप टेक्स्ट के थ्रू या इमेज वीडियोज के थ्रू मैसेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के तौर पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक एंड से बैठ के दूसरे एंड के बीच में, वन नोड फ्रॉम वन नोड टू अनदर, फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र, इवन दैट फ्रॉम वन यूज़र टू मल्टीपल यूज़र अगर बात की जाए, तो मैं यहाँ बैठ के ऑन माई ओन मैं एक एंड पे बैठ के मल्टीपल यूज़र से एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मेरे ज़्यादा से स्टूडेंट्स हैं ना, 40 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर ये कम्युनिकेशन क्या है, ये किसी न किसी टाइप की कम्युनिकेशन में आती है। अब राइट नाउ हम VoIP कर रहे हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी हम वॉइस कॉल के थ्रू या वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैम जी, RRS एग्रीगेटर क्या होता है? RSS एग्रीगेटर, देखिएगा ज़रा कम्युनिकेशन नेट पे देखिएगा, कम्युनिकेशन का ही कोई टाइप है RSS एग्रीगेटर। ये क्या होता है, प्लगइन है एक तरह का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनियंस ऑफ RSS फीड, चेक वेबसाइट फॉर न्यू कंटेंट ऑटोमेटिकली। द RSS एग्रीगेटर चेक वेबसाइट फॉर न्यू कंटेंट ऑटोमेटिकली, इट इमीडिएट पुल दैट कंटेंट ओवर योर फीड टू
ठीक है जी, आरएसएस एग्रीगेटर होता है जो आपकी न्यूज़ फीड में डेली बेसिस का न्यू कंटेंट अपलोड करता है। आप फेसबुक ओपन करते हैं या आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, अगर आप में से कोई यूज़ करता हो फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करता हो या कोई और ऐसी ऐप यूज़ करता हो जिसमें डेली फीड आती है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं आपका होम पेज, होम पेज कहते हैं फेसबुक की लैंग्वेज में, या न्यूज़ फीड कहते हैं। क्योंकि मैं मेरा इतना फेसबुक के साथ वो मोरल लेस लिंक नहीं है, यूजेज नहीं है, अकाउंट तो खैर सबके ही चल रहे हैं, पर यूजेज की बात आ जाती है कि कौन किस हद तक क्या चीज़ यूज करता है। तो अगर आप लोगों में से किसी का फेसबुक अकाउंट है या आपका किसी का किसी ऐसी वेबसाइट का अकाउंट है तो न्यूज़ फीड आती है, तो आरएसएस एग्रीगेटर बाकी तमाम या उस वेबसाइट की जो लेटेस्ट कंटेंट होता है उसे ऑटोमेटिकली उसकी न्यूज़ फीड में क्या करते हैं पुल कर लेता है। इसीलिए आपको हर बार वो ऐप ओपन करने पे न्यू न्यूज़ फीड आ रही होती है, लेटेस्ट कंटेंट आ रहा होता है आपके होम पेज पे या न्यूज़ फीड पे। आप में से कितने लोग हैं जो फेसबुक अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं? सिर्फ हैंड रेज करें, हैंड रेज करें, यस यस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बस दो लोग, ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनमें से किसी एक से भी पूछूं, आयशा ईमान, आयशा यस मैम। आप जब भी फेसबुक ओपन करती हैं अपने लैपटॉप अपने मोबाइल फोन पे, हर बार आपकी न्यूज फीड अपडेट होती है या यस एक ही मैम। तरह की न्यूज अपडेट होती है? ये आरएसएस एग्रीगेटर एक ऐप है, वेब की ऐप है, वेब एप्लीकेशन है, जो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है कि वो ऑटोमेटिकली न्यू कंटेंट को आपकी न्यूज फीड पे ले आती है। इंस्टाग्राम में भी तो ऐसे ही होता है ना? इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही होता है, इंस्टाग्राम में भी ऐसे ही होता है। जी अब्दुलरहमान, हाँ पहले हाँ वाला हाथ खड़ा किया था, ठीक हो गया। इंस्टाग्राम में भी बच्चे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आरएसएस वेब फीड, वो सॉरी न्यूज फीड को ऑटोमेटिकली उसे कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए, लोड करने के लिए, ठीक है, यूज हो। डिटेल में पढ़ना मैंने तो आप नेट पे पूछता था। अच्छा जी, फिर आगे आपके पास आ जाती है लर्निंग टूल्स फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो वो कौन कौन से ऐसे लर्निंग टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल में बा आसानी और अच्छे तरीके से लर्न कर सकते। कहता है ऑनलाइन हेल्प इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ यूजर मैनुअल। पहले क्या होता था, यूजर मैनुअल, हर हर प्रोडक्ट के साथ एक यूजर मैनुअल आती है। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपने यूजर मैनुअल साथ आई, आपने फ्रिज खरीदा, यूजर मैनुअल साथ आई, ठीक है। आपने छोटे से छोटा अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, या बड़े से बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदा, वो यूजर मैनुअल साथ आई। यूजर मैनुअल का काम क्या होता था, किस लिए हेल्प करती थी यूजर मैनुअल? अब्दुल वाहिद आप बताएंगे? अब्दुल वाहिद, यस मैम। यूजर मैनुअल किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी? कि फ्रिज के साथ आ जानी, किसी टीवी के साथ आ जानी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आ जानी, तो क्या क्या किस काम में के लिए हेल्प करती थी यूजर मैनुअल? जी वाहिद, यस मैडम, क्या माइक ऑफ कर दिया आपने? वाह, यूजर मैनुअल देखी है कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ, डिवाइस के साथ, किसी टीवी फ्रिज के साथ आती हुई देखी? वो बुक आती थी एक मैनुअल बुक। यस मैम। हाँ जी, यस तो मैम। क्या क्या मकसद था उस बुक का, उसे यूजर मैनुअल मैं कहा गया इंफॉर्मेशन देती थी किस बारे में, कि वो किस इलेक्ट्रॉनिक बारे में मशीन उसको कुछ कैसे चलेगी, वो सारी उसकी इंफॉर्मेशन होती थी। कैसे चलेगी, उसको किसी भी कैसे चीज को चलाने मैन्युफैक्चर किया, वेरी गुड शुएब, कैसे चलेगी, उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया गया, अगर कोई डिफॉल्ट आ जाए तो क्या करना है, मोर और लेस थोड़ा बहुत हर चीज और हर डिटेल के बारे में उसमें लिखा होता था। तो वो कहता है कि अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करना चाहते हैं, वो यूजर मैनुअल आपको हेल्प करती थी कि आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में लर्न कर लें ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से उसको चला सकें। तो अगर हम पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसकी लर्निंग के लिए सबसे अच्छी यूजर मैनुअल आपके पास ऑनलाइन हेल्प है।
आप गूगल खोलते हैं, आप बिंग खोलते हैं, आप कोई और वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है, वो आपके पास एज यूजर मैनुअल के तौर पे आती है कि हमने किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना है। फॉर एग्जांपल आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता, तो अगर मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर के साथ एक मैनुअल बुक दी होती तो आप उस मैनुअल बुक को पढ़ पढ़ के सीख जाते कि फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है। आप अगर हर सॉफ्टवेयर के साथ कोई हार्ड फॉर्म में बुक नहीं आती तो आपके पास ऑनलाइन कंटेंट या ऑनलाइन हेल्प तो अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास वो तमाम मटेरियल, वो तमाम तरह का डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है जो आपको ये हेल्प करता है कि आप एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करें। फिर हेल्प आपके पास सिर्फ रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, आपको लोगों डिज़ाइन बनाना सिखा रहे हैं, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके भी सीख सकते हैं कि मैंने फ़ोटोशॉप पे कोई लोगो या कोई डिज़ाइन या कोई पैम्फलेट या कोई बैनर या कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन और एक्सेस द हेल्प टॉपिक इन सब्जेक्ट और अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। आप जब चाहे ऑनलाइन हेल्प से, गूगल की मदद से या किसी भी वेब एप्लीकेशन की मदद से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे अल्फाबेटिक ऑर्डर में पूछें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछें, आपको वो एज अ यूज़र मैनुअल हेल्प करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वो टॉपिक किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होगा, आपको एमएस वर्ड यूज़ करना नहीं आता, आप नेट से सीख सकते हैं, आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, आप नेट से सीख सकते हैं। वो जो नेट की फैसिलिटी है, वो जो ऑनलाइन हेल्प है, वो आपके लिए एज अ यूज़र मैनुअल है। वेब बेस्ड हेल्प प्रोवाइड्स अपडेट्स एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज, वो कहता है जो वेब बेस्ड हेल्प है वो आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता है। अपडेट का मतलब है अब आप सर्च करेंगे तो आपको बेशक हिस्टोरिकल डाटा तो मिल जाएगा, पर राइट नाउ जो उसका करंट अपडेट होगी कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, तो वो राइट नाउ आपको करंट नॉलेज प्रोवाइड करेगा, यानी अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आपको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं देगा। आपको वो ये नहीं कहेगा कि पावर पॉइंट के जो सबसे पुराना वर्जन था उसमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन यूज़ हो रहे हैं, वो लेटेस्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स टू रिस्पॉन्ड टू टेक्निकल इश्यूज अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ताकि आप सॉफ्टवेयर के टेक्निकल इश्यूज को रिस्पॉन्ड कर सकें। सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया है, कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही है, कोई चीज़ लॉक है, कोई चीज़ ब्लॉक है, कहीं आपको कोई आइकन, कोई सिंबल, कोई मेन्यू, कोई उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आप ये सीख सकते हैं अच्छा आपका वर्जन थोड़ा पुराना है, आप 2016 यूज कर रहे हैं, आप 2018 वर्जन चल रहा है, आप अपने वर्जन का नाम लिख के लिख दें कि यहाँ पे इंसर्ट किस वर्जन में, एमएस वर्ड में इंसर्ट की टैब कहाँ है, मे बी थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो, मे बी कोई मेन्यू चेंज हो, कोई ऑप्शन चेंज हो, मोर और लेस चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, वर्जन के डिफरेंस की वजह से, वरना सारी की सारी आपको यूज़र मैनुअल के थ्रू, आपको गूगल के थ्रू, वेब हेल्प के थ्रू चीज़ें समझ आ सकती हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास आ जाता है, बेटे 2 मिनट के अंदर मीटिंग एंड हो जाएगी, रिकनेक्ट करूँगी तो कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, लर्निंग टूल्स वेब एप्लीकेशन में ही, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तक बात की जाए तो वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को लर्न करने। सिर्फ वेब के थ्रू हेल्प ले लेना, एक्सेस हासिल कर लेना, किसी चीज़ को समझ लेना, इसके अलावा आप वेब बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैंने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया है, 6 महीने की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद मुझे एक सर्टिफिकेशन मिली है कि मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता हूँ, या मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकता हूँ, ठीक है। यही चीज़ें अगर आपने कोई लाइव सेशन में जाके, किसी अकेडमी को ज्वाइन करके, किसी कॉलेज को ज्वाइन करके करनी है, तो वो तो आप कह सकते हैं कि कोर्स है या सर्टिफिकेशन है या कोई सेशन है। अगर आप वही ट्रेनिंग घर बैठ के
ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, किसी सेशन के थ्रू कर रहे हैं तो वो वेब बेस्ड ट्रेनिंग कहलाती है। इज अ टाइप ऑफ सीबीटी दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीबीटी कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। वेब का वर्ड लग गया, इसका मतलब उसके टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी होना लाजिम है। एंड कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द वेब, जिसके अंदर तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मोर लेस कहीं ना किसी तौर पर हेल्प करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वेब बेस्ड ट्रेनिंग दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोटो एडिटिंग या फोटोग्राफी का कोर्स करना है, तो ज़रूरी है आप फोटोग्राफी का कोर्स करने के लिए किसी कॉलेज में दाखिला लें, किसी एकेडमी को ज्वाइन करें। 3 महीने का कोर्स करना है, 6 महीने का कोर्स, तो इस तरह के कोर्सेज, इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जब आप ऑनलाइन उसमें रजिस्टर करते हैं, हो सकता है वो ट्रेनिंग फ्री हो तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो फीस के साथ भी हो तो आपने तो फी पे कर देनी है ऑनलाइन, बाकी काम तो आपका घर बैठते ही होना है, ठीक है। आपने फ़ी पे की, या अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो घर बैठ के आप डेली बेसिस पे आप आज भी क्लास ले रहे हो फोटोग्राफी की, आपको समझाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, टीचर बोल रहा है या जो ट्रेनर है। जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, अभी तो आप एक सब्जेक्ट को लर्न ही कर रहे हो, ठीक है। अभी तो आप एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर हो, ठीक है, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देख रहे हो। यूजेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द वेब, और तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसके बारे में आप लर्न कर रहे हो, वो अवेलेबल होता है वेब बेस्ड पे। डिस्टेंस लर्निंग किसे कहते हैं? DL कहते हैं। इज अ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन एट वन लोकेशन व्हाइल द लर्निंग टेक्स प्लेस एट अदर लोकेशन। राइट नाउ वी आर डूइंग डिस्टेंस लर्निंग, वी आर पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस लर्निंग। डिलीवर की जा रही है एजुकेशन एक लोकेशन पर बैठ, जैसे लोकेशन क्या है, मेरा घर है, सरगोधा कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा कह सकते हैं, सरगोधा की बात करें या मेरे घर की बात करें, ठीक है। वाइल द लर्निंग टेक्स प्लेस, लर्निंग आपके एंड पे है, डिलीवरी मेरे एंड पे है, ठीक है। मैं एजुकेशन को डिलीवर कर रही हूँ, आपके टीचर्स एजुकेशन को डिलीवर कर रहे होते हैं किसी भी लोकेशन पर बैठ, ठीक है। और लर्निंग कहाँ हो रही होती है? लर्निंग उसी सेम लोकेशन पर बैठ के नहीं हो रही, ठीक है। मे बी आप में से काफ़ी लोग सरगोधा के ही हैं, पर इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वो सेम पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी नहीं आते, जैसे क्लासरूम में एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर डिलीवरी भी हो रही होती है एजुकेशन की, और लर्निंग भी वहीं टेक प्लेस कर रही है। तो यहाँ क्या है, लर्निंग लेने की जो लोकेशन है वो डिफर कर रही है, ठीक है। तो इससे कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, जिसका पार्ट अभी हम हैं ऑनलाइन सिस्टम के, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? यस मैम। देखें, चैप्टर ख़त्म हो गया, समरी देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमने ये देखा कि वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, वैरायटी ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर को देखा, लर्निंग टूल्स देखे, ठीक है। और एट द एंड ये आपकी लेक्चर, आपकी स्लाइड ख़त्म हो, लेक्चर क्लियर हो गया, समझ आ गया जी मैम? कोई डिफिकल्टी इसको लर्न करने में मैम? जी मैम। तो बच्चे आपकी आवाज़ कटी, मुझे समझ नहीं आ रही, मैसेज कर दें आप अगर आपका इशू है माइक का। तो था कि रेगुलर की क्लास पूछा था तो आपने कहा था कि मैडम हमें अंदाजन पता है कि हमारा 11 जैन तक है, हमसे ही पूछा था, आपसे ही पूछा था 11 जैन आपने बताया था। अगर उसको देखा जाए बच्चे तो बहुत ज़्यादा मिड का कोर्स कवर हो जाएगा, और मोर और लेस अकॉर्डिंग टू माय प्लानिंग 5 चैप्टर्स मिड में मैंने इंक्लूड करने हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स तो पढ़ लिए हैं। एक सेकेंड में ज़रा रिकॉल कर लूँ कौन कौन सा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। मैम 26 दिसंबर से तो छुट्टियां हो रही हैं, तो फिर कैसे कवर होगा एक चैप्टर? अच्छा 26 से छुट्टियां हो रही हैं, तो बच्चे तो 10 है ना, अभी 16 दिन पड़े हैं। हाँ जी, तो 10 का मतलब आपके मैम 4 लेक्चर तो नहीं मैम, मैम हमारा तो एक चैप्टर 2 दिन में खत्म हो जाता है, एक चैप्टर तो हमारा 2 दिन में खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ले सकता है अगर हम बहुत स्लो चलें।
अच्छा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, हमने वर्ल्ड वाइड वेब का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर नंबर 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आज कंप्लीट हो गया है, हमने इनपुट डिवाइसेस वाला चैप्टर नंबर 4 है वो कर चुके हैं 5, हाँ आउटपुट डिवाइसेस वाला हमने करना है चैप्टर, और हम 4 नहीं चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, वो इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइसेस वाला है, उसमें से हमने एक पार्ट किया है इनपुट डिवाइसेस वाला, आउटपुट डिवाइसेस वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया, एक वो करना है और एक चैप्टर नंबर 4 है कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, चैप्टर नंबर 4 करना है और चैप्टर नंबर 5 का आउटपुट डिवाइसेस वाला पार्ट कंप्लीट करना है, तो हमारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी हमारे 1 2 3 4 1 2 3 और फिफ्थ का क्योंकि हाफ पार्ट 3.5 हुए हैं, 1.5 चैप्टर रह गए, बेसिकली हमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और 3.5 चैप्टर्स हो गए हैं, हमने 1.5 चैप्टर कंप्लीट करना है, हाफ चैप्टर चैप्टर नंबर 5 का जिसमें इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 4 है द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, वो हमने देखना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी फाइव। अच्छा अखिलिया बच्चे आपने अटेंडेंस ले ली है? यस मैम ले ली है। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी कोई और बात, कोई और इशू डिस्कस करना हो? मैम जी मैम इंटरप्राइजेस को डिफाइन कर दें तो इंटरप्राइज बच्चे कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरप्राइज कहते हैं बिजनेस को, बेसिकली बिजनेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरप्राइज का, बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस रन कर रही है ऑन अ ह्यूज लेवल, इंटरप्राइज छोटे लेवल के बिजनेस को नहीं कहते, विच इज रखिएगा ऑन अ ह्यूज लेवल जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही हैं, जो बिजनेस कंपनीज काम कर रही हैं उसको आप इंटरप्राइज का नाम देते हैं। कोई और क्वेश्चन? अच्छा एक और वो था टॉपिक हमने, मैंने आपको कहा था कि आप नेट पे सर्च कीजिएगा, हमारे साथ एग्रीगेटर को हमने देख लिया था, पर्सनल डीटीपी सॉफ्टवेयर, इसको भी अभी हम देखते हैं कि ये क्या होता है, पर्सनल डीटीपी सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग को कहते हैं बच्चे, is the creation of document using page layout software on a personal desktop computer, इसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहें माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ जाता है, पर्सनल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डीटीपी, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपके वेब पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, अडोब इनडिजाइन, क्राइबस, क्विक एक्सप्रेस, एक्सरे पेज एंड लेआउट डिजाइन, ठीक है, ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। मैम हमारे जो 5 चैप्टर मिड में इंक्लूड होंगे वो फिर फाइनल में भी होंगे? फाइनल में बच्चे मिड का 25% इंक्लूड होता है, तो 5 चैप्टर का 25% अगर आप निकालें तो कितना बनता है, 4 का निकालें तो 1 चैप्टर बनता है, तो 5 का भी निकालें तो हम मोर और लेस 1 चैप्टर इंक्लूड करेंगे, फाइनल डेढ़ कह सकते हैं या 1 कह सकते हैं, अगर हम 1 चाहें, ये हमारे हमारे का मतलब है टीचर के एंड पे होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, 25% तो अलाउड है जो करना है इंक्लूड, अब वो टीचर 25% को 20-25 कर ले, 25 को 20 कर ले या 25 को 30 कर ले, तो वो मोर और लेस इतनी फ्लक्चुएशन अलाउड होती है। मैम हम सबमिट की प्रिपरेशन करेंगे पेपर्स की, तो वो क्या हम सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए ही करें? देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे, और एक और चीज़ याद रखिएगा रैंडम एमसीक्यूज आएंगे, हर एक के पास डिफरेंट एमसीक्यूज जनरेट हैं,
ओके मैम, ये स्ट्रेटजी पहले भी अडॉप्ट की गई है। हम लोग जो उसका क्वेश्चन बैंक जनरेट करते हैं टीचर्स एंड पे, वो हम मोर देन 30 जनरेट करते हैं और वो रैंडम शफलिंग के साथ हर एक के पास 30 क्वेश्चन जाते हैं। फाइनल के लिए हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज जनरेट किए थे और हर स्टूडेंट के पास रैंडम शफल्ड 50 एमसीक्यूज आए थे लास्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 to 60 एमसीक्यूज जनरेट करने हैं और उसमें से हर स्टूडेंट के पास शफल्ड 30 एमसीक्यूज आए। तो ये पैटर्न, ये टेक्निक ये फॉलो फिफ्टी कीजिए। में से 30 करने पड़ेंगे फिर हम एमसीक्यूज। नहीं, आपके पास आएंगे ही 30। उस क्वेश्चन बैंक में से रैंडम 30 जनरेट होके आपके पास आ जाएंगे। रैंडम 30 जनरेट होके शाजमीना के पास आ गए, वाहिद के पास आ गए, हसन के पास आ गए। ठीक है, मींस ऑर्डर चेंज होगा, या हो सकता है किसी के पास कोई एमसीक्यू आया और दूसरे के पास नहीं आया। तो रैंडम होने का मतलब ये है। टाइम कितना होगा? ओके मैम, आप मीट से पहले एक दफा टेस्ट ले लें ताकि हमें आइडिया हो मीट जाए। मीट से पहले चलें टेस्ट ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। जैसे ही हमारा कंटेंट वाइंड अप होगा ना, सिलेबस जैसे ही मीट का वाइंड अप होता है, उसके बाद एक क्विज रख लें। ठीक है जी, मैम आप जी बच्चे। मैम क्विज तो मुश्किल होता है फिर, वो कोई आप टेस्ट टेस्ट बना के दे देना ना हाँ ग्रुप में, तो जी, ऐसा ही है ना, उसे ही क्विज कहते हैं भाई, उसे ही टेस्ट कहते हैं। क्या होगा? मैं समझे मैम आप लेक्चर में कह रही, लेक्चर के दौरान ही हुए। नहीं, कुछ एक रैंडम रिटर्न था। ठीक है, वो हो जाएगा। ओके मैम, चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम, हाफिज, अल्लाह हाफिज, आती क्लास, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज मैम। मैम।